प्रश्न सर, ऑनरेबल सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, इंडिया डिस्पाइट बीइंग होम टू 19% ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रैंक्स 113 आउट ऑफ 176 इन वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द एंड ऑफ चाइल्ड हुड इंडेक्स. In 2022, child abuse cases surged by 8.7% and approximate 55% of children in India's experience some form of abusing according to NCPCR study. Sexual crimes as per NCRB report 2020. Additional child rape cases have increased by 96% between though India accounts for staggering 40% of global child marriages according to the National Minister for steps taken by the government to bring India among the best 50 performing countries in child well-being index with a timeline for the completion of the same. Mananiya Mantri ji, Adhyaksh Mahoday, Mission Vatsalya ke madhyam se Mananiya Pradhan Mantri ji ke kushal netritu mein हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है. इसके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको सिस्टम स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके और कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है एवं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय किए जाते हैं. सरकार की ये सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से अगर वो हट गए हैं तो उसके लिए हमारे मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम उनको हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा कैसे वो संस्थागत परिवेश में रहकर वो उसका सुधार हो सके और समय समय पर चूंकि राज्य भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को हम हमेशा इसके लिए गाइडलाइन हम भेजते भी हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं ताकि जो बच्चे और उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन हम चलाते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या में संकट में बच्चे हैं तो उस चाइल्ड हेल्पलाइन में वो कॉल करते हैं वहाँ और उसके बाद वो राज्य स्तर और फिर जिला स्तर पर जो हमारी कमिटियाँ हैं उसके माध्यम से उसको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया. आप जानते हैं भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा, बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया. लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई. साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है. लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है. वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है. लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है,
मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगे वधांगे तां मनाली तो खबर है जिथे बानू पुल दे नेड़े निजी बस पलटी है तां सवारियां दे नाल भरी बस हादसे दा शिकार हो गई है। तां दस्सीए कि हादसे विच 12 लोग जख्मी हुए ने। हस्पताल दे विच जिन्हां नूं भर्ती करा दिता गया तां कई सवारियां नूं मामूली सट्टां लगियां ने और किसी भी तरह के जानी नुकसान तो बचा रहा है। तां हादसे दे कारणां दे बारे पता नहीं लग्या। तां मनाली चंडीगढ़ नैशनल हाईवे दी इह घटना है। तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हां किस तरीके दे नाल बस जिहड़ी है पूरी तरह दे नाल पलटी है और सवारियां 12 जख्मी हुई दसिया जा रही ने, जिन्होंने हस्पताल तुरंत भेज दिता गया। संभावित तौर पर रेस्क्यू किया गया है और किसी तरह के कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। ये वड्डा बचा रहे मनाली के दसते कि मौसम की वजह के नाल हालात उंज भी खराब ने। मलबा जिहड़ा सड़कां ते डिग जांदा है, रस्ते जिहड़े असीं कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत हो चुके ने। इस वेले अगे वधदे हां तां उधर दिल्ली एयरपोर्ट तो 30 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद हुई है। खिडौणियां दे विच लुका के कोकीन जिहड़ी है लैंदी जा रही थी। 270 कोकीन के कैप्सूल ने सीबीआई ने दसी कि भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को गिरफ्तार किया। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो मुलजम इंडिगो की फ्लाइट के राही दोहा तो दिल्ली ट्रैवल कर रहा है। फड़ी गई कोकीन करीब 6 किलो दसी जा रही है और ये तस्वीर तो दिखा रहे हैं। 270 कैप्सूल ने कोकीन के जोड़े कि इस खिडौने के लुकोए हुए सन और किस तरीके इस अंदर लुकोया गया तस्वीर। All I am saying is, I have declined your notices under Rule 267, and number two, I am in some kind of pain because after my ruling, which is very categorical, and I will not bear it. Please take your seat. No, you can raise it. I have said so in 0 hour, allowed it already, but this will not happen. Please bear with me. Honorable members, I am not able to persuade myself to accede to these Rule 267 notices. These notices are not in consonance with the ruling imparted by me. The purpose for it, no. Statements by Minister Shri Jitin Prasad. Statements by Minister Shri Jitin Prasad. Nothing will go on record. Shri Jitin Prasad. Statement by Minister. Please take your seat. Take your seat. No. Mr. Parliamentary Affairs Minister. Ask them to say. I will otherwise name them. Sir, please ask them. Sir. One second. If I find any member of the House going against the rules, have it from me. I will name the member or members. This house can't be run if one party is in order, the other party is not. The other party is in order, the other party is not. We will not happen. Please. I want house to maintain calm and composure and act according to rules. If you feel about an issue, and I already said, if I have declined their notices, it was not a ruling on urgency. It was not a ruling on importance. Your point, Mr. Kadadi, may be important. Take your seat. No, your point may be important. You may be agitated. It may be significant. But it is not worthy of Rule 267 as per ruling given by me. Shri Jitin Prasad to make a statement. Please.
With your kind permission, sir, I lay on the table of the House the following statement regarding a statement of implementation of recommendations contained in the 164th report of department related to Parliamentary Standing Committee on Commerce on augmenting infrastructure facilities to boost exports. B, status of implementing of recommendations contained in the 173rd report of department related to Parliament Standing Committee on Commerce and action taken by government on recommendations, observations contained in the 164th report of the Committee on augmenting infrastructure facilities to boost exports. Status of implementation of recommendations contained in the 179th report of department related to Parliament Standing Committee on Commerce on demands for grants 2023-24, demand number 10 pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Status of implementation of recommendations contained in the 181st report of department related Parliamentary Standing Committee on Commerce on development of trade and industries in the Northeastern region. Statement of implementation of recommendations contained in the 186th report of department related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by government on the recommendations, observations contained in the 181st report of the Committee on development of trade and industries in the Northeastern region. Status of implementation of recommendations contained in the 183rd report of department related Parliamentary Standing Committee on Commerce on demand for grants 23-24, demand number 10 pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry. Status of implementation of recommendations contained in the 184th report of department related to Parliamentary Standing Committee on Commerce and demands for grants.